हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर को अभी कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस को बहुत अच्छे से समझा है, हमने इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा है, हमने समझा कि इसको कौन बनाता है, क्यों बनाता है और इसके क्या मेन ड्रॉबैक्स हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर में प्रॉफिट या लॉस किस तरह निकाला जाता है ये भी हमने समझा। इसके दो मेथड्स होते हैं, पहला मेथड होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और दूसरा मेथड होता है कन्वर्जन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड्स के ऊपर हमने इलस्ट्रेशंस भी करी है जो हमने विदाउट एडजस्टमेंट करी है। आज के इस वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को भी कंटिन्यू करेंगे और इसमें कुछ एडजस्टमेंट लेके आएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप अभी इस वीडियो को एग्जिट करिए और इससे पहला वाला वीडियो जो मेरा वीडियो नंबर 67 है इसको आप देखिए, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्टली आप इसको भी देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था स्टूडेंट्स कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज भी होता है और विदाउट एडजस्टमेंट एंट्रीज भी होता है। विदाउट एडजस्टमेंट एंट्रीज हम पहले कर चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड विद एडजस्टमेंट एंट्रीज इसको हम समझेंगे एक इलस्ट्रेशंस के थ्रू। ये इलस्ट्रेशंस स्टूडेंट्स मैंने TS ग्रिवाल की बुक से ली हुई है। ये इलस्ट्रेशंस नंबर है 7 नंबर है और पेज नंबर है मेरी बुक में 20.10 TS ग्रिवाल। आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, इन केस अगर नहीं है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके वीडियो में इस तरफ लगा दूंगा। इलस्ट्रेशंस कुछ इस तरह से है। ए रिटेल ट्रेडर हैड नॉट कैप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक रिटेल ट्रेडर है, वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहा। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ऑल्सो प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट दैट डेट। आपको 31 मार्च 2018 और 2019 की कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज आइटम दिए हुए हैं। इसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है नोटिंग के अंदर में, मैं उसको पढ़ देता हूँ। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹2400, ड्राइंग्स दिया हुआ 2400, ठीक है। डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग बाय 10%, देखिए ये एडजस्टमेंट एंट्री है। इसके अलावा और एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है, ₹600 इज इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। Irrecoverable from debtors means ये हमारे bad debts हो गए। Provide 5% for doubtful debts and 200 in respect of bills receivable. 5% कह रहा है doubtful debts भी हैं और ₹200 जो हैं वो भी doubtful debts हैं in respect of bills receivable, जो bills हमें receive होने थे उसमें से ₹200 doubtful हैं। तो चलिए अब हम इसको solve करते हैं, same method adopt करेंगे जो हमने पहले question में किया था। Statement of affairs as at 1 अप्रैल 2018, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का है, वो बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1 अप्रैल 2019, ये भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं इस यहाँ पे भी। इसके बाद जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में किया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2019 ये निकालेंगे। इसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे और फिर प्रॉफिट निकालेंगे। तो चलिए पहले हम अभी इसको करते हैं और उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को लेंगे। सबसे पहले हम 2018 की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आइटम को पुट करेंगे कैपिटल निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्टॉक इन ट्रेड 16,700। स्टॉक जो है हमारा 16,700 है, तो ये स्टॉक एसेट्स आइटम हो गया, स्टॉक 16,700। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,400। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटीज आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,400। और आगे चलते हैं, सन्ड्री डेटर्स 11,200। सन्ड्री डेटर्स 11,200 हमारा एसेट्स आइटम है। और आगे चलते हैं, कैश इन हैंड दिया हुआ है ₹250, कैश ₹250।
नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी आइटम होता है 19,200। बैंक ओवरड्राफ्ट 19,200। और आगे चलते हैं, बिल्स रिसीवेबल 16,000। बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स आइटम है, बिल्स रिसीवेबल 16,000। फर्नीचर एंड फिटिंग 15,000। फर्नीचर एंड फिटिंग जो है ये सिर्फ से 15,000 का है, फर्नीचर लिख रहा हूँ मैं बस, फर्नीचर 15,000 सॉरी। नेक्स्ट इज मोटर वैन, मोटर वैन 1900। अरे ऐसी कौन सी मोटर है स्टूडेंट्स जो सिर्फ से 1900 में आ रही है, अब तो बाइसिकल भी 1900 में नहीं आती, चलो खैर कोई बात नहीं। और आगे चलते हैं, बैंक बैलेंस निल। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम एसेट्स में से हम लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल निकली आएगी। सबसे पहला है, हम टोटल कर रहे हैं 16,700, 11,200, 1,500 और 1,900, ये हमारे पास आ गया 47,550। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 15,400 माइनस में 19,200, 12,950 हमारी कैपिटल आ गई। ये हमारी कैसे आई है, बैलेंसिंग फिगर से। दोनों साइड हम सेम टोटल लिख देते हैं 47,550। क्लियर है? अब हम आगे चलें, अब हम 2019 की हम फिगर्स को लेते हैं और इसी तरह हम कैपिटल निकाल देंगे। फिगर्स कुछ इस तरह से हैं स्टूडेंट्स, स्टॉक दिया हुआ है 18,100, स्टॉक 18,100। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,200। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी आइटम है 19,200। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स 10,600। सन्ड्री डेटर्स 10,600। और आगे चलते हैं, कैश दिया हुआ 1,400, बैंक ओवरड्राफ्ट निल। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है, निल है, तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल 5,000, बिल्स रिसीवेबल मैं स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, पूरा लिखिएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग 1,500, फर्नीचर एंड फिटिंग 1,500। और आगे चलते हैं, मोटर वैन है ही नहीं, निल हो गया। और बैंक बैलेंस यहाँ बता रहा है 2,900। बैंक बैलेंस मतलब कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस हो गया 2,900। अब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। सबसे पहला है 18,100, 10,600, देन 6,400 एंड 1,500 और 2,900, ये आ गया 39,500 ये हम इधर लिख देंगे और आप इसमें से 19,200 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास कैपिटल आ गई 20,300 कैपिटल। ये कैसे आई है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारी कैपिटल हो गई स्टूडेंट्स क्लोजिंग कैपिटल, जो हमारी इस साल की कैपिटल थी, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई है। ठीक है, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? और आगे चलें, यहाँ तक हम वही कर रहे हैं जो हमने पिछले एग्जांपल में हमने किया, वही हमने किया अभी तक, कुछ भी नया नहीं है। ये भी वही होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2019 हमने निकालना है अब, बिफोर एडजस्टमेंट। अभी हमने एडजस्टमेंट एंट्री नहीं ली है, जो इसमें डेप्रिसिएशन बताया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बताया, उसको हमने भी नहीं लिया है अभी। ये हमारा बिफोर एडजस्टमेंट, हम प्रॉफिट निकालते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, कैपिटल लेके चलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। तो हमने ली कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड कितनी है हमारे पास कैपिटल एट द एंड, मतलब 2019 है ना, कितनी है 20,300। अब क्या इसने बोला हुआ है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 2,400 की ड्राइंग्स हैं,
हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे, प्लस करोगे माइनस करोगे? हम ड्राइंग्स को यहाँ पे हम प्लस करेंगे क्योंकि हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। ड्राइंग्स 2400 हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया 722700। चलिए और आगे चलते हैं। इसमें आपको एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस वो नहीं दिया हुआ है तो हम उसको भी कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। हम सिंपली इसमें से कैपिटल इन द बिगनिंग उसको माइनस कर देते हैं, माइनस में कैपिटल इन द बिगनिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल लिख लो आप इसको। 12,950 रुपीस, तो कितना प्रॉफिट आ गया? 9,750 रुपीस ये प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स बिफोर टेकिंग एनी एडजस्टमेंट एंट्रीज। हमने अभी एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं करी हैं, जो डेप्रिसिएशन इसमें बताया हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर और जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बताया हुआ है, ये अभी बिफोर एडजस्टमेंट का प्रॉफिट है। अब हम निकालेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज को करने के बाद कितना नेट प्रॉफिट आएगा, उसके लिए हमको पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम डबल एंट्री सिस्टम में बनाते थे। चलिए अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। ये एग्जैक्टली स्टूडेंट्स वैसे ही बनेगा जैसे कि हम डबल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हमने ये निकाल लिया है 9,750, जिसको हम बोलते हैं बिफोर एडजस्टमेंट, तो इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट मान सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट 9,750 रुपीज़। अब कुछ एडजस्टमेंट हैं वो अब देखिए क्या क्या इसने बोला हुआ है। ये है डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग बाय 10%। हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग हमारा 2019 में कितना था, 1500 का था, इस पर 10% डेप्रिसिएशन निकाला है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% हो गया इसका 150 रुपीज़, 1500 का 10% आपने निकाल लिया। इसके अलावा वो कहता है ₹600 इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, इसका मतलब ये बैड डेट्स हैं तो हम इसको बैड डेट्स लिख देंगे। बैड डेट्स कितने हैं, 600 रुपीस। और आगे चलते हैं। आगे ये कहता है प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स एंड ₹200 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बैड डेट 600 के हैं, 5% वो और बोल रहा है डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स हमारा किस पे निकलता है, इसके ऊपर निकलेगा। सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 10,600 के। इसमें से हम पहले बैड डेट्स को माइनस कर देंगे, ऐसे ही करते हैं ना, फाइनल अकाउंट में आपने बनाया हुआ है। बैड डेट्स को माइनस करेंगे 600 रुपीज़, 10,000 रह जाएगा। अब 10,000 का 5% प्रोविज़न बनाना है हमने डाउटफुल डेट्स, इट मीन्स 500 रुपीज़। तो 500 हम यहाँ लिख देंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 500। इसके अलावा वो और प्रोविज़न बोल रहा है 200 रुपीज़ फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का भी प्रोविज़न्स फॉर डाउटफुल, जो हमने पैसे लेने हैं वो अभी नहीं मिलेंगे, 200 रुपीस डाउटफुल हैं, तो ये भी हम 200 रुपीस लेते हैं। तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में से 9,750 में से अगर हम ये फिगर्स निकाल देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 9,750 में से 750 रुपीज़ हमने एक माइनस कर दिए, उसके बाद 700 और माइनस कर दिए, तो ये आ गया 8,300 रुपीज़। तो अब आपने देखा स्टूडेंट्स पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा था 9,750, अब कितना आ रहा है हमारे पास 8,300। क्यों आ रहा है, कम क्या क्यों हो गया, क्योंकि हमने कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करी हैं प्रोविजंस और डेप्रिसिएशन के लिए। अब हमको निकालने को बोला गया है Also to prepare statement of affairs as at that date, मतलब अब हमें statement of affairs बनाना है, revised statement of affairs बनाना है इस date पे। तो चलिए मैं अभी इसको रब करता हूँ और बनाते हैं।
ये हमने फॉर्मेट बना दिया है, बैलेंस शीट्स की तरह ही है। अब हमने इन फिगर्स को रिवाइज्ड फॉर्मेट में लिखना है। हमारे पास सबसे पहले है स्टॉक है 18,100, इसमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं थी, हम सेम लिख देंगे स्टॉक 18,100। और आगे चलिए सन्ड्री डेटर्स 10,000, सन्ड्री डेटर्स में हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी उसको देख लेंगे 10,600। सन्ड्री डेटर्स में से हम क्या माइनस करेंगे, बैड डेट्स को माइनस करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे। माइनस में बैड डेट्स कितने हैं 600 रुपीज़, बैलेंस बचा 10,000 रुपीज़। और इसके अलावा हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी माइनस करेंगे सन्ड्री डेटर्स में से, माइनस में प्रोविजन 500 रुपीज़। तो हमारे पास सन्ड्री डेटर्स अब कितने रह गए 9,500, ठीक है। और आगे चलिए कैश दिया हुआ 1,400, बिल्स रिसीवेबल में भी एडजस्टमेंट एंट्री थी स्टूडेंट्स, क्या एडजस्टमेंट एंट्री थी 5,000 के दिए हुए बिल्स रिसीवेबल में प्रोविजंस दिया हुआ है, माइनस कर दीजिए प्रोविजन को, कितना दिया हुआ है 200 रुपीज़, तो ये आ गया 4,800 रुपीज़। और आगे चलिए फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट एंट्री है, फर्नीचर कितने रुपए का फर्नीचर है 1,500 रुपीज़ का है, हमने कितने का डेप्रिसिएशन निकाला था 150 रुपये का, माइनस में डेप्रिसिएशन 150 रुपया, कितना हो गया 1,350 रुपया। और आगे चलते हैं बैंक दिया हुआ है हमें 2,900 रुपया, बस और तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे हम टोटल कर देंगे। चलिए अब लायबिलिटीज़ को भी देख लेते हैं, लायबिलिटीज़ में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 19,200, इसमें कुछ नहीं है। अब कैपिटल देखिए, कैपिटल अब आपको हम बना रहे हैं रिवाइज्ड, मतलब फेयर बैलेंस शीट ही बना रहे हैं एक तरह से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं और फिर हम उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, तब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। कैपिटल अब आप कौन सी लेंगे, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लेनी पड़ेगी आपको, जो कैपिटल इन द बिगनिंग थी 12,950 रुपीज़। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ड्राइंग्स थी क्या, हाँ ड्राइंग्स थी ना 2,400 रुपीज़ की, ड्राइंग्स को माइनस कर दीजिए, लेस ड्राइंग्स 2,400, तो बैलेंस आ गया 10,550। ऐड क्या करते हैं, हमने जो अभी ये नेट प्रॉफिट लिखा है ये ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारा बैलेंस शीट में होता था ना, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है 8,300, तो हमारा टोटल आ गया ये 18,850 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये टोटल और एसेट्स का टोटल और लायबिलिटीज़ का टोटल इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, और उसको आप चेक करिए कहाँ गलती करी है। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, 19,200 प्लस में 18,850 रुपीज़, तो ये आ गया 38,050 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह हम एसेट साइड का भी टोटल करते हैं, 18,100, 9,500, 1,400, 4,800, 1,350 और 290, 38,050 रुपीज़, 38,050। स्टूडेंट्स हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल है, तो इसका मतलब हमारी कहीं गलती नहीं हुई, हमारा ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड्स के ऊपर विद एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में स्टूडेंट्स आपको फिर से मैं रिवाइज़ करवा दूँ, हमें पहले तो हमें प्री एडजस्टमेंट सारी एंट्रीज़ एज इट इज़ करनी होती हैं, जैसे कि हम पहले करते आए हैं, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को कंसिडर करके पी एंड एल अकाउंट भी बनाना है, और एक आफ्टर एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट बनाना है जो एग्जैक्टली बैलेंस शीट के पैटर्न पर बनेगा। और इसमें अगर आपका दोनों साइड का एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक मेथड ख़त्म हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है कन्वर्जन मेथड,
नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन मेथड को सीखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी बुक में इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, सिर्फ से फिगर्स आपको फ़र्क मिलेंगी, अदरवाइज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। तब तक आप बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सबसे बड़ी बात अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।